इस हफ्ते क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए किसको मिलेगा भाग्य का साथ। मेष, मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। इस दौरान सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज को खरीदने के लिए जेब से ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी संभव है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। वृषभ, वृष राशि के जातकों को लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा था, उनकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। इस सप्ताह आपको करियर और कारोबार को बढ़ाने के कई बढ़िया अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपको मिलने वाली तमाम खुशियों में आपकी तबीयत रंग से भंग डालने का कारण बन सकती है। लंबे समय बाद किसी प्रियजन से मुलाकात आपकी खुशियों का बड़ा कारण बनेगी। यदि आपकी लव पार्टनर के साथ खटपट चल रही थी तो किसी महिला मित्र की मदद से गलत फहमियां दूर हो जाएंगी और लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। मिथुन, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता के लिए है। सप्ताह की शुरुआत में जिंदगी आपको आगे बढ़ाने के तमाम मौके देते हुए नजर आएगी। यह समय भूमि भवन से जुड़े काम करने वालों और मार्केटिंग कमीशन आदि पर काम करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। किसी बड़े कदम को उठाते समय आपको माता पिता समेत पूरे परिवार का सहयोग और समर्थन मिलेगा। कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो संभव है कि प्रयास करने पर आपकी बात बन जाए। वहीं पहले से प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के लिए समय शुभ है। कर्क, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही घर परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अनबन होने के कारण मन थोड़ा व्यथित होगा। यदि आप समझदारी से कारोबार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ कुछ एक गलत फहमियां पैदा हो सकती है। इस दौरान चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ना उचित रहेगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका है। कठिनाई से भरे दौर में लव पार्टनर भी आपके साथ परछाई की तरह बना रहेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ के लिए है। नौकरी पेशी लोगों को मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफर मिलेगा। जो लोग किसी विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे उन्हें इस सप्ताह उनके कार्य के लिए विशेष सम्मान मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने में के कई अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपकी खुशियों का बड़ा कारण बन सकती है। सेहत सामान्य रहेगी। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। आपकी एक छोटी सी गलती या फिर गलत व्यवहार से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। जीवन साथी के साथ हुई टकरार और परिवार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपके करियर और कारोबार को प्रभावित कर सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम तरह की सफलता और खुशियों का समेटे हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस दौरान नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आपके रुके हुए महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी और उसके पूरे होने का रास्ता बनेगा। इस दौरान उन्हें कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक समस्याएं आ सकती हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और आपसे विश्वास बढ़ेगा। वृश्चिक,
वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन की गाड़ी इस सप्ताह रुक रुक कर तो कभी तेजी से भागती हुई नजर आएगी। इस दौरान संतान से संबंधित कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान पास के फायदे में दूर का नुकसान करने की बिल्कुल भूल ना करें, अन्यथा आपको खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस दौरान अचानक धन लाभ में विघ्न बाधा पड़ती नजर आएगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने की भूल बिल्कुल ना करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। यदि आप अपनी ऊर्जा और समय का सही तरीके से प्रबंध करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। जिस तरह बॉस की बहुत ज्यादा निकटता अच्छी नहीं होती, उसी तरह उनसे बहुत ज्यादा दूरी रखना भी उचित नहीं होती है। यदि प्रेम संबंध में कोई अड़चन या गलतफहमी आई थी तो वह इस सप्ताह के अंत तक दूर हो जाएगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों को यदि किसी बात को लेकर बीते कुछ समय से परेशानी हो रही है तो उनकी इस परेशानी का हल इस सप्ताह निकल जाएगा। इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में किए गए प्रयास और परिश्रम का आपको पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपकी खुशियों का बड़ा कारण बनेगी। आपके विरोधी खुद ही आपसे समझौते के लिए पहल कर सकते हैं। इस दौरान सूझबूझ से कार्य करने पर आपको आर्थिक लाभ होगा। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह का रूप देना चाहते थे तो इस सप्ताह परिजन आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हामी भर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह बेहतर साबित होने जा रहा है। इस दौरान पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी आप विशेष प्रयास करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में किसी नई योजना पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे भविष्य में लाभ की संभावनाएं। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की आपकी कामना पूरी हो सकती है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी मोटी बातों को तूल ना देते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके विरोधी आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। बाजार में फंसा धन आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान आपको पहले की गई सेविंग को खर्च करके अथवा धन उधार लेकर काम चलाना पड़ेगा। प्रेम संबंध में आपको फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। किसी भी फैसले को लेते समय दिल के साथ दिमाग का प्रयोग अवश्य करें।